चलिए, ऑनलाइन वाले हजरात तो कर लिया होगा आप लोगों ने, 7 लाख तो आप लोगों ने निकाल लिया। मुझे नहीं पता ये 7 लाख को किससे कंपेयर किया, ये मेरा सवाल है। वो वाली फिगर बताएं, 7 लाख को जिससे कंपेयर किया है कितना है? नहीं हुआ 19,80,000 वाले हाथ खड़ा करें, दानिश खड़े होकर देखो क्या इस क्लास में भी ऐसे लोग हैं 40 to 45%, या इसको 20% पे ले आओ आइंदा। 19,80,000 वाले हाथ खड़ा करें प्लीज, मैं देखना चाहता हूँ 19,80,000 वाले हाइब्रिड में, 19,80,000 वाले। एक दो इधर जी, एक दो तीन तीन, वेल डन भाई, ब्लू शर्ट बिल्कुल नजर आ गया आप मुझे। 19,80,000 वाले अच्छा एक बात कर दूं आप लोगों से, सोच के जवाब देने, ऐसे नहीं देना ठीक है। मैं अपने बारे में सोच रहा था तो मुझे तो बड़ी देर से ख्याल आया अपने बारे में, लेकिन आप लोगों को अभी से कुतब इधर देख, लेकिन मैं इन पूरी जिंदगी का फुल डिस्कस होने लगा है, तो अगर आप लोग अभी से अगर शुरू कर दें वो पाइजन इधर देख लो, एक सेकंड दे दो इधर, तो मैं सोच अपने बारे में रहा था, लेकिन आप लोग भी इधर अगर सोच लें आज कि मरते दम तक वक्त नहीं ज़ाया करना, तो सोच के हाथ खड़े कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप खेलने ना जाएं, आप दोस्तों के साथ जो है वो कभी खाना वन से ना ब्लू मून चले जाएं, ये मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इट्स नॉट लाइक दिस कि आप जिंदगी में ऐसे बैठे हों। हाँ ऐसे बैठे हों, कुछ सोच रहा होता है, प्लानिंग कर रहा होता है, ये अलग बात है, लेकिन बस ऐसे बैठे बैठे घंटा गुजर जाए और ज़िंदगी में किसी दिन 11 घंटे सो जाएं, इट्स नॉट फेयर ना, इट्स नॉट फेयर कि पूरे दिन में आप 11 घंटे सो जाएं। तो कोई इक्का दुक्का मुझे बंदा चाहिए जो ये नियत करे इधर आज, जितनी ज़िंदगी रहेगी है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, चलो डॉलेंस हफ्ते बाद मैं आपसे कारगुजारी लूँगा। डॉलेंस मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद होंडा टू सप्लाई 5 AC 5 एयर कंडीशनर पर मंथ, होंडा तो की करना है 5 AC पर मंथ फॉर 33,000 पर मंथ। ये 33 आपको क्या लग रहा है, डॉलेंस के लिए सेल प्राइस लग रही है या परचेज? भैया मुझे समझा लेने देना, 20 से 30% बच्चों से सिर्फ हुआ है। डॉलेंस मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद होंडा टू सप्लाई, ये अकाउंटिंग स्किल्स नहीं है, ये बस थोड़ी सी अकल लगानी थी, फिगर्स बड़ी आसान आसान सी हैं। डॉलेंस मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद होंडा टू सप्लाई 5 AC पर मंथ फॉर 33,000 पर यूनिट फॉर 3 ईयर्स अगले 3 साल तक, स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर 16 से इंशाल्लाह जो है वो हम एसी आपको बेचना शुरू कर देंगे। किसने किसको कहा? सेलर डॉलेंस ने कस्टमर होंडा को कहा, होंडा के ऊपर कस्टमर लिख लें, क्योंकि हम तो सेलर की बुक्स में काउंटिंग कर रहे हैं। अच्छा ऑल डिलीवरीज टिल 31/12/16 अक्टूबर नवंबर दिसंबर, लिखे तीन डिलीवरीज हो गई है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये अंडरलाइन कर लेना, पर मंथ हर महीने में एसी बेचने थे ना, तो ऑल डिलीवरीज टिल दिसंबर 16 वर मेड ऑन टाइमली बेसिस एंड डॉलेंस मेड अ हैंडसम प्रॉफिट ऑन इट, मींस के डॉलेंस ने बेचा 33 का, खरीदने की कॉस्ट काफी कम आई होगी, एंड डॉलेंस मेड अ हैंडसम प्रॉफिट ऑन इट। क्या ये किताबों में रिकॉर्ड हो चुका होगा या ये फ्यूचर है? रिकॉर्ड हो चुका होगा, मैं कहां खड़ा हूं आज ऑन 31 दिसंबर 2016, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइसेज ऑफ मटीरियल इन लोकल मार्केट, लोकल मार्केट में मटीरियल की प्राइस बढ़ गई। अच्छा जी, रॉ मटीरियल खरीदेगा डॉलेंस और एसी में लगाएगा, तो लोकल मार्केट में मटीरियल की प्राइस बढ़ गई। डॉलेंस ने इस कॉन्ट्रैक्ट से यह सीखा कि लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने चाहिए, तीन साल के लिए आपने अपनी सेल प्राइस लॉक कर ली है ना, तो ये तो लंबा कॉन्ट्रैक्ट आपने पकड़ के खुद आपने जो है वो, तो लोकल मार्केट में मटीरियल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गई है, वैसे बेचना कितने के 33 का, लेकिन कॉस्ट बढ़ गई है। फ्रॉम 17 अगले साल से द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट, वो तारीख है वही, वो जो 1 लाख और 1,60,000 टाइप चीज थी, तो अब फ्यूचर में बनेगा कितने का, बिकेगा। हाउएवर देयर वाज अ क्लॉज इन एग्रीमेंट, इस क्लॉज को जरा छोड़े पहले, मुझे नॉर्मल तरीके से तो चल लेने दें। अच्छा ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट में ना बात याद रखिएगा कि 20 साल भी कॉन्ट्रैक्ट आपने कर लेने, तो 20 साल की कैश फ्लोस पेपर में प्लॉट करनी पड़ेंगी, जितने मर्जी साल आगे नजर आ रहे हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमने 33 महीने का अगला वाला पकड़ लिया हुआ, और 3 महीने हमारे साल में ऑनर हो गए थे, तो हम खड़े हैं ऑन 31 दिसंबर 16 फ्यूचर को देखें। इफ आई ऑनर तो आई विल सेल 5 ACs इन 33 मंथ्स, 5 × 33 ACs एंड आई विल रिसीव ₹33,000।
5,00,000 एंड आउटफ्लो 33 मंथ्स तक 5 AC मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई 7,400 अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करता हूं तो मुझे 19,80,000 का नुकसान आएगा क्योंकि मुझे एक एसी पर 12,000 का नुकसान आ रहा है तो 12,000 जरब 5 जरब 33 इतना ज्यादा नुकसान मुझे फ्यूचर में आएगा एक एसी पर मुझे नुकसान ये आ रहा है लेकिन अगर मैं ऑनर नहीं करता इफ आई कैंसल तो आउटफ्लो है इसका तो आउटफ्लो ही होगा 700 तो प्रोविजन किसकी बनाएंगे जी एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट अच्छा जी कितने साल तक नोट करता रहेगा आपने क्या बोंगी मारी थी 36 से जरा दे दिया था गलती बताना शुरू करें या समझ नहीं आया था कैसे लेके चलना है ठीक है ठीक है अच्छा ये ना डिस्काउंटिंग के साथ एक सवाल है ये अभी मैं नहीं करा रहा इसमें ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट में डिस्काउंटिंग भी है तो अच्छा जी फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस नो यू विल आस्क अ वेरी वैलिड क्वेश्चन दैट यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अ फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस जी बिल्कुल मैंने डिस्कस किया था बट दैट वाज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ रीस्ट्रक्चरिंग रीस्ट्रक्चरिंग के कॉन्टेक्स्ट में मैंने डिस्कस किया था रीस्ट्रक्चरिंग ये होती है कि बिजनेस के 3-4 पार्ट्स हैं एक पार्ट बंद हो रहा है तो उसमें चलते चलते मैंने आपसे फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस को डिस्कस कर लिया था अब मैं बिजनेस की रीस्ट्रक्चरिंग नहीं कर रहा फिर भी मैं आपसे फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस की डिस्कशन कर रहा हूँ तो एक मैंने आपसे डिस्कशन की थी कि नेस्ले वालों ने पानी बनाना बंद किया तो जनवरी फरवरी मार्च में जो फ्यूचर में ऑपरेट करेंगे तो लॉस आएगा नहीं करेंगे तो नहीं आएगा अब मैं आपसे इस कॉन्टेक्स्ट में फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस डिस्कस नहीं कर रहा अब मैं एक ऐसे बिजनेस में फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस डिस्कस कर रहा हूँ जो एक रनिंग बिजनेस है और कोई प्रोग्राम नहीं हमारा बंद करने का उसमें भी फ्यूचर में ऑपरेट करेंगे तो लॉस आ सकता है तो कॉलेज जो है वो कैफ कैंपस भी चला रहा है और पीआरसी कैंपस भी चला रहा है एंड देर इज नो प्लान टू क्लोज पीआरसी कैंपस तो इट मीन्स देर इज नो रिस्ट्रक्चरिंग रिस्ट्रक्चरिंग का सवाल तो नहीं है बट ऐसे ही प्रिंसिपल साहब ने बैठे बैठे बजट बना रहे थे बजट बनाते बनाते सोचा यार पीआरसी में एडमिशंस कम मुलाजमीन की तनख्वाहें ज्यादा बिल्डिंग का रेंट ज्यादा ये बैठे बैठे प्रिंसिपल साहब एक कैलकुलेशन कर रहे थे तो प्रिंसिपल साहब दिल में ख्याल आया ओहो फ्यूचर में पीआरसी कैंपस क्या देगा लॉस देगा तो ये है जी 2011 का साल ये है 2010 का साल यहां पे बैठे बैठे प्रिंसिपल साहब ने 11 की कैलकुलेशन की कि स्टूडेंट से रेवेन्यू आएगा 3 मिलियन और बिल्डिंग का रेंट और मुलाजमीन की तनख्वाहें 4 मिलियन लेकिन वी हैव नो प्लान इन फ्यूचर टू क्लोज द बिजनेस ये कैलकुलेशन जब की तो इन्होंने कहा यार फ्यूचर में मुझे 1 मिलियन का क्या आ रहा है बट फ्यूचर में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ स्टूडेंट से वो तो बच्चे अभी FSC कर रहे हैं जिन्होंने अगले साल PRC करने आने उनके उनके साथ कहा हमने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा ऐसा ही है ना कॉलेज की नेचर समझे बिजनेस की तो हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट पकड़े हुए इट कैन नॉट बी ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट इफ इट इज ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट फिर तो कहानी और होती क्या आप मुझे कॉलेज को सामने रख के बताएं कॉलेज का PRC कैंपस की ये कैलकुलेशन प्रिंसिपल साहब प्लानिंग में कर सकते हैं करनी चाहिए प्लानिंग में कर सकते हैं कोई मसला नहीं और लेकिन प्रिंसिपल साहब कहते हैं यार हम जान दे देंगे पीआरसी कैंपस बंद नहीं करेंगे कोई मसला नहीं लॉस आ रहा है चलाते रहेंगे इंशाल्लाह खैर है बस अब मजबूरी है मार्केट में बैठे हैं तो ये भी चलाना है तो अब फ्यूचर में लॉस आ रहा है क्या करें जी क्या करें 31 दिसंबर 2010 को इसकी क्या एंट्री करके सोएं ओ योर एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट यार इट्स हाइट ऑफ एनीथिंग एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट यार ये क्या लोग हैं यार यार इनको जूते मारो फ्यूचर में ऑपरेट करेंगे तो लॉस आएगा ना आप ऑपरेट ना करें तो दिस लॉस कैन बी अच्छा मुझे बताएं अगले साल के स्टूडेंट से कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लिए हुए हैं तो फिर क्या मसला है कोई मसला ही नहीं
हाँ हाँ मेरा बिजनेस क्लोज करने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ आई नो कि अगर मैं फ्यूचर में क्या करता हूँ, ऑपरेट करता हूँ, तो मुझे क्या आ रहा है। लेकिन क्या मैंने कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लिया हुआ फ्यूचर में? कैन दिस लॉस बी अवॉइडेड? हाँ, प्रोग्राम नहीं है बंद करने का, बट स्टैंडर्ड इज आस्किंग इन वर्स केस यू कैन बंद ना, आप बंद तो कर सकते हैं। इन एनी केस दिस लॉस कैन बी अवॉइडेड, कभी भी स्टैंडर्ड ये लॉस रिकॉर्ड करने नहीं देगा। और अगर आप एंट्री करेंगे एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, तो स्टैंडर्ड पूछेगा किसकी तरफ लायबल है, किसी की तरफ लायबल नहीं है। लेकिन ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट में तो डॉलेंस वॉज लायबल टू वर्ड्स, नोट करें। हाँ, बुरा केस क्या सोच सकते हैं, कौन सा केस बुरा? नहीं नहीं, आप देखो, चाहे फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस की एडजस्टमेंट रिस्ट्रक्चरिंग में आए, चाहे फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस की एडजस्टमेंट नॉर्मल सवाल में आए, हमेशा फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस की आपने प्रोविजन बुक नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि दिस कैन बी, देयर इज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कोई नहीं है। अच्छा, ये ना 11, ये मैं इसका वादा लिख दूं, 2011 की कैलकुलेशन मैंने की है, इसका नाम मैं रख रहा हूं 2011 का बजट। बजट लफ्ज सुने कभी? बजट 2011 का मैं बजट बना रहा हूं, तो मेरा ख्याल है फ्यूचर में इतना रेवेन्यू आएगा, फ्यूचर में इतने खर्चे होंगे, क्या करूं, क्या करूं? 1 मिलियन की एंट्री कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन एक बात आज ऐड करवा रहा हूं, इस बिल्डिंग को इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजार लें, क्योंकि इस बिल्डिंग में रिकवरेबल अमाउंट्स वाला फड्डा वगैरह आ जाना है, तो इसके एसेट्स को इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजार लें। एक एक मशवरा स्टैंडर्ड दे रहे हैं, इसके एसेट्स को IS 36 लगा दो इस पे, बट यू कैन अवॉइड दिस लॉस। इसमें और ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट में बारीक सा फर्क बता दें, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस और ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट में। ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है, इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। कॉन्सेप्ट तो क्रिस्टल क्लियर है, कोई ऐसा मसला ही नहीं कॉन्सेप्ट में। इसमें से दही निकालनी है तो निकालें, निकालो आप, मलाई निकालो इसमें। हाँ हाँ, प्री इनरोलमेंट तो फिर एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप बन जाएगा, वो तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट टाइप लग रहा है फिर। हाँ, वो तो फिर कॉन्ट्रैक्ट टाइप है बिल्कुल, प्री इनरोलमेंट तो एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप चीज है। ये तो भी बच्चे FSC कर रहे हैं जिन्होंने 11 में आने हैं। अच्छा चलें, एक और बात करें, दुकानदार है कोई, तो वो ये कह रहे हैं कि जी फ्यूचर में मैंने समोसे बेचने हैं, शेख जी समोसे वाला, फ्यूचर में मैंने समोसे बेचने हैं, समोसे की डिमांड खत्म हो रही है, लोगों ने समोसे लेने कोई नहीं, तो डॉक्टरों ने ऑयल 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 करके लोगों को भगा दिया है, लेकिन मैंने समोसे बनाते रहूंगा, तो यस यू कैन। समोसे वाले ने, आपने आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया हो कि 2026 में मेरी शादी पे तुमने समोसे देने हैं? किसी से किया हो? पागल हैं आप, कर लो यार, कर लो, क्या मसला है, कर लो, छोटी सी जिंदगी पता नहीं कब खत्म हो जाए। अच्छा चलें आगे चलें, प्रोविजन शैल नॉट बी रिकॉग्नाइज फॉर, और बोलने बाय जिगर, प्रोविजन शैल नॉट बी रिकॉग्नाइज फॉर फ्यूचर ऑपरेटिंग, इफ आई विल ऑपरेट देयर विल बी लॉस, आई विल नॉट ऑपरेट देयर विल बी नो लॉस, इट इज अवॉइडेबल। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस डू नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ अ लाइबिलिटी, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस लाइबिलिटी की डेफिनेशन मीट नहीं करता, यू आर नॉट फीलिंग लाइबल टुवर्ड्स एनीवन, एंड जनरल रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया सेट आउट इन पैरा 14 वो भी मीट नहीं करता, कुछ भी मीट नहीं करता फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस। एन एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस, दानिश स्टैंडर्ड खोलेंगे पेपर में, पैरा 65 खोलेंगे और लिखेंगे एन एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर लॉस इज एन इंडिकेशन डेट सर्टन एसेट्स ऑफ द ऑपरेशन PRC मे बी इम्पेयर्ड, सर्टन एसेट्स हो सकते हैं वो इम्पेयर हो गए हो, एन एंटिटी टेस्ट दीज एसेट्स फॉर इंपेयरमेंट अंडर IS 36। तो आज फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस में छोटे से एडिशन क्या हुआ, इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजार लें एसेट्स को। व्हाई दिस 1 मिलियन इज अवॉइडेबल? अच्छा वो मैं उसका सवाल क्लियर कर दूं, ये सऊद का नो जर्नल एंट्री, ये इसका सवाल था, तो यहां लिख लें 31/12/10 पर नो जर्नल एंट्री, इसकी जर्नल एंट्री नहीं होगी। हाँ एक्सेलेंट, इंपेयरमेंट अगर आगे उसकी होगी, मैंने जो आपको डेटा दिया है वो तो 1 मिलियन का दिया ना, तो 1 मिलियन की कोई जनरल एंट्री नहीं होगी। इंपेयरमेंट लॉस डेबिट अकमोलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट, उस एंट्री का मैं इनकार नहीं कर रहा, वो एंट्री आप जरूर करें, कोई मसला नहीं। रेवेन्यू रिफंडेबल दूर की बात है भाईजान, अभी तो वो कस्टमर भी नहीं मुझे पता जिनसे रेवेन्यू आने हैं। हाँ वो उससे वो IFRS 15 डील करेगा, फिर उसको छोड़ो। चलें जी आगे, वारंटी का सवाल करें फारुख साहब, वारंटी ये तो आप लोग खुद कर लेंगे मेरे ख्याल से। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू
कल्लात इंडस्ट्रीज लिमिटेड फॉर इट्स फाइनेंशियल ईयर एंडेड 30 जून 2010। किसी के वाले साहब हैं, वो मिसाल के तौर पे अब मैंगोस खरीद के बेचते हैं। अब उन्हें लग रहा है कि अगले जो दफा जो मैंने मैंगो खरीदने हैं, जब मैं बेचूंगा तो मुझे नुकसान आ जाएगा, तो आप क्या कहेंगे? ना खरीदें। इट इज फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस ना, ना खरीदें। हाँ, अगर कोई पड़े हुए मैंगो पेटियों के अंदर उनमें से, तो उसको फिर IS2 से गुजार लें, पड़े हुए मैंगोस। और अगर आप वादा कर चुके हैं किसी बंदे से कि भाईजान आपका आमों का बाग पूरा का पूरा मैं खरीद लूंगा आप समेत, तो फिर ऐसी ज्यादा हो गई इसमें। अगर आप वादा कर चुके हैं कि मैं आमों का बाग खरीद लूंगा, वो फिर आप तो फंस गए हैं फिर। लेकिन वैसे ही आपकी आदत है बाजार में जाके आम खरीदना और आगे बेचना, तो ना खरीदें। हमने कहे कि आम खरीदें। अच्छा, क्वेश्चन 15। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू कल्लात इंडस्ट्रीज लिमिटेड फॉर इट्स फाइनेंशियल ईयर एंडेड 30 जून 2010। अच्छा जी, QL सेल्स बी प्रोफेशनल इस प्रोडक्ट्स ऑन अ 1 ईयर वारंटी विच कवर्स ऑल टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। प्रीवियस हिस्ट्री इंडिकेट्स दैट 2% ऑफ प्रोडक्ट्स कंटेन मेजर डिफेक्ट। 2% ऑफ प्रोडक्ट कंटेन मेजर डिफेक्ट। 10% है चुने मुन्ने डिफेक्ट, चुने मुन्ने। कोई आप मशीन बेचते हैं तो थोड़ा कभी आवाज आती है ची, कभी आवाज पा, चुने मुन्ने। और कई दफा आप मशीन बेचते हैं तो आवाज गुड़ गुड़ गुड़ो, मल्ले वाले परेशान हो जाते हैं, पाइन मशीन लाए जनरेटर ले आयो। तो फर्ज कर लें आप वॉशिंग मशीन बेचते हैं, साथ लेंगे कभी मुस्कुरा दिया कर तू भी। अभी आप वॉशिंग मशीन बेचते हैं तो मेजर डिफेक्ट्स भी आ सकते हैं और माइनर भी आ सकते हैं। इट इज एस्टिमेटेड दैट मेजर डिफेक्ट्स वर डिटेक्टेड। ये अंदाजा लगाया है अगर मेजर डिफेक्ट आ गए ऑल प्रोडक्ट्स में, ये तो वैसे पॉसिबल नहीं है, 2% में आएंगे। अगर ऑल प्रोडक्ट्स में मेजर डिफेक्ट आ गए तो मुराकबे से बाहर निकलेंगे, तो रिपेयर कॉस्ट ऑफ 150 मिलियन वुड रिजल्ट अगर सब में मेजर डिफेक्ट आ गए। प्लीज, अकाउंटिंग नहीं है, अकल लगाएं। और अगर माइनर डिफेक्ट आ गए सारी प्रोडक्ट्स में, वैसे आ नहीं सकता ऐसा, तो फिर रिपेयर कॉस्ट कितनी इंकर होगी? नहीं, पर यूनिट नहीं लिखी हुई, टोटल लिखी हुई है भाई, तो 70 मिलियन आएगा। भाई सेल को छोड़ें, सेल पे तो नहीं परसेंटेज लगानी ना, सेल पे अगर प्रोविजन की परसेंटेज लगानी होगी सवाल बताया करेगा, सेल पे नहीं प्रोविजन की परसेंटेज लगानी अनलेस के सवाल बता दे। अब जरा बताएं कि अगर सारी प्रोडक्ट्स में बेचूं और उनमें गुड़ 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 मल्ले को पूरे वो उठा दें, सारी प्रोडक्ट सारी मशीनें खराब हो जाएं, तो मैं मुझे कितने की रिपेयर करके देनी पड़ेंगी? क्या सारी खराब होंगी? आपका क्या ख्याल है कितनी खराब होंगी? एक्सेलेंट, 150 है रिपेयर कॉस्ट सारी प्रोडक्ट्स की, बेस्ड ऑन माई पास्ट एक्सपीरियंस 2% खराब होंगी प्लस। आगे हिम्मत करें, इफ माइनर डिफेक्ट्स वर सोल्ड इन ऑल प्रोडक्ट्स सोल्ड, अगर सारी जो बेच रहे हैं उसमें माइनर डिफेक्ट आ जाए, सारी में आएंगे या नहीं? सारी में कहां आएंगे? उनसे कारोबार बंद करके हम रूंडे बेचें बैठ के, फिर वॉशिंग मशीन क्यों बेच रहे हैं? तो अगर सारी प्रोडक्ट्स में आ जाएं तो फिर बताएं कितना खर्चा होगा? 70 को जरब दें, या दिवाली लिया करो, या बोल लिया करो, ये जो मल्टी प्रोसेसिंग है ना, तो ये प्रोविजन इतने की बनाएंगे, बनाए प्रोविजन आप। बनाए प्रोविजन हाँ जी, इसमें जी प्रोविजन की तीन शराइत बताएं। व्हाट इज पास्ट इवेंट? सेल ऑफ मोबाइल्स विद 1 ईयर वारंटी कार्ड्स, इट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन। रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड एंड प्रोबेबल आउटफ्लो, आउटफ्लो प्रोबेबल है। प्रोविजन बनाने के लिए कितनी शराइत है? तीन शराइत है। नंबर 1 पास्ट इवेंट, नंबर 2 प्रोबेबल आउटफ्लो, एंड नंबर 3 रिलायबल। द पास्ट इवेंट इज सेल ऑफ मोबाइल विद 1 ईयर वारंटी कार्ड। और हो सकता है अगर आप वारंटी कार्ड ना दें, और लोगों के अंदर आम है कि आप वारंटीज ऑनर करते हैं, तो फिर वो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन टाइप की चीज बन जाएगी। अगला सवाल मैंने आपको पर यूनिट के अतबार से दिए, ये ट्राई करें जरा।
हाँ जी भाई, साहिवाल मैन्युफैक्चरिंग या सिल्ला वाली मैन्युफैक्चरिंग? जल्दी करें। अच्छा जी, साहिवाल मैन्युफैक्चरिंग हैज सोल्ड 10,000 यूनिट्स इन अ ईयर, सेल्स अक्रूड इवनली ओवर द ईयर। यानी अगर आप 10 साल को डिवाइड करेंगे ना 12 से, तो एक महीने की सेल आ जाएगी। इसका ये मतलब होता है, इट एस्टिमेट्स डेट फॉर एवरी 100 आइटम सोल्ड, जो हर 100 चीज़ें हम बेचेंगे, 20 विल रिक्वायर अ स्मॉल रिपेयर। हर 100 चीज़ें बेचेंगे, 20 विल रिक्वायर अ, क्या मैं इसको 20% नहीं कह सकता? 20 डिवाइडेड बाय 100, हर 100 में से 20 चीजें स्मॉल रिपेयर के लिए आएंगी। तो कैन आई सेफली से 20% चीजें स्मॉल रिपेयर के लिए आएंगी? टोटल 10,000 यूनिट बेचें, उनको भी फारिग करें, 10,000 यूनिट को जरा फारिग करें। इसका क्या मतलब है, 100 में से 20 चीजें वापस आएंगी, तो व्हाट डज इट मीन? अच्छा, एट अ कॉस्ट ऑफ ₹800 ईच, 100 ईच, 10 विल रिक्वायर अ सब्सटेंशियल रिपेयर, सब्सटेंशियल रिपेयर एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज, गुड 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 गुड, वो वाली, एंड 5 विल रिक्वायर अ रिप्लेसमेंट। 5 को तो बिल्कुल रिप्लेस करना पड़ेगा, वो तो चीज जो लेके जा रहे रास्ते में मशीन चीखे मारने लगी भी चलाई नहीं, तो डेट विल रिक्वायर अ मेजर रिपेयर और अ रिप्लेसमेंट एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज। ऑन एवरेज नीड फॉर रिपेयर बिकम्स अपेरेंट 6 मंथ्स आफ्टर सेल, बेचते ही 6ठे महीने रिपेयर की जरूरत पड़ जाती है। पास का तजर्बा यह है, बेचते ही 6ठे महीने अपेरेंट, ऑन एवरेज नीड फॉर रिपेयर बिकम्स अपेरेंट 6 मंथ्स आफ्टर सेल, सेल के 6ठे महीने बाद रिपेयर की जरूरत पड़ जाती है। तो मेरे ख्याल से जनवरी वाली जुलाई में रिपेयर के लिए आ चुकी होंगी। मैं आपसे खर्चा नहीं पूछ रहा, खर्चा फिर किसी दिन आपको निकाल के दूंगा, मैं पूछ रहा हूं कि बकाया कितनी लाइबिलिटी है मेरी, और फरवरी वाली अगस्त में आ चुकी होंगी, और जून वाली दिसंबर में। तो पहली तो बात है, 10,000 यूनिट्स पे सवाल सॉल्व नहीं करना था, 5,000 यूनिट्स पे सवाल सॉल्व करना था, क्योंकि 6ठे महीने रिपेयर के लिए आ जाती हैं। अब ये जनवरी है या दिसंबर है, जनवरी वाली जुलाई में रिपेयर के लिए, लेकिन जुलाई से दिसंबर वाली 6 मंथ इनका इधर पूरा होगा, तो ये बाद में आएंगे रिपेयर के लिए। तो हमारे साल के एंड पे आखिरी 6 महीने वाली जो हमने जुलाई से दिसंबर में बेची है, कुछ ऑनलाइन वाले हालात अटेंटिव नहीं, हाइब्रिड वाले इधर, जुलाई से दिसंबर, जी शुक्रिया, जुलाई से दिसंबर वाली जो मैंने बेची है वो रिपेयर के लिए आएंगी। आप 10,000 को लिफ्ट ना कराएं, 10,000 को वैसे ही 6/12 कर दें, तो कितना हो जाएगा? 5,000। अब 5,000 जो चीजें हैं उनमें से 20% स्मॉल रिपेयर के लिए आएंगी। वो 20% आपको पता है मैंने कैसे निकाल लिया? 20% स्मॉल रिपेयर के लिए आएंगी, और सब्सटेंशियल रिपेयर के लिए 5,000 में से, और रिप्लेस होने के लिए 1,000। 5,000 में से 1,000 चीजें स्मॉल रिपेयर के लिए आई, पता नहीं कितना फारग बिजनेस है, कस्टमर को डील करता रहेगा हर वक्त। 5,000 में से 500 चीजें आ गई सब्सटेंशियल रिपेयर के लिए, और 5,000 में से 250 चीजें लोग लेके वापस आ गए, भाई जान ये रखो और हमें नई चीज दो। ये तो आ गए नंबर ऑफ यूनिट्स विच केम फॉर रिपेयर मल्टीप्लाइड विद रिपेयर कॉस्ट पर यूनिट। ये वाला सबसे महंगा रिपेयर होगा, 250 वाला, या रिप्लेस करके देना पड़ेगा। पहले वाला टोटल 10,000 को इसलिए 6/12 किया है कि ऑन एवरेज हमारा तजर्बा है कि नीड फॉर रिपेयर बिकम्स अपेरेंट 6 मंथ्स आफ्टर आ सेल, एक सेल करने के बाद 6ठे महीने रिपेयर की जरूरत महसूस हो जाती है लोगों को। इसका मतलब कुछ ऐसे बनेगा,
अगर आप ज़्यादा डिटेल में बात करना चाह रहे हैं तो यकम जनवरी वाले रिपेयर कराने आ गए होंगे यकम जुलाई को, बिल्कुल तफसील में बात फिर इसी तरह है, 2 जनवरी वाले रिपेयर कराने आ गए होंगे 2 जुलाई को, 3 जनवरी वाले रिपेयर कराने आ गए होंगे 3 जुलाई को, 4 जनवरी वाले रिपेयर कराने आ गए होंगे 4 जुलाई को, 6वें महीने रिपेयर की ज़रूरत पता चल जाती है प्रोडक्ट में। तो जनवरी से जून वाले, बल्कि जून वाले भी दिसंबर में आ गए होंगे। अब जुलाई वाले अगले साल जनवरी में आएंगे, उनकी तरफ हम सिर्फ लायबल फील करें, बाकियों को हम रिपेयर करके दे चुके होंगे। और अगस्त वाले फेब में आएंगे तो इन्होंने हमारे साल आना है, तो हमारे साल खड़े होकर, हाँ जी 6 मंथ वाली बात ना की होती बस फिर पूरे यूनिट्स पे लगाते आप, नहीं वो इस तरह नहीं देखो, वो फिर प्रॉपर आपको फिर डाटा देगा अलग से। ओके तो नोट करें, चलिए ये एक इफ्रिक का सवाल करें फिर छुट्टी करें, पेज नंबर निकाल लें, प्रैक्टिस क्वेश्चंस किधर दिए हैं, छोटा सा सवाल है वो कर लें, पेज नंबर 362, पेज नंबर 362 ये IS-12 वॉल्यूम 1 में पास्ट पेपर का क्वेश्चन 9 रहता था रोज लिमिटेड वाला, उसकी एक एडजस्टमेंट रहती थी, रोज लिमिटेड इज फाइनलाइजिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017, इन दिस रिस्पेक्ट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड, ऑन 1 जनवरी 2017 RL एक्वायर्ड अ प्लांट एट अ कॉस्ट ऑफ ₹250 मिलियन, इट हैज बीन डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर, RL is also obliged to incur decommissioning cost of ₹50 million at the end of useful life of plant. Applicable discount rate is 8%. तो मैं 2017 की कैलकुलेशन आपके सामने करने लगा हूं एक से आधे मिनट में, डेट डिस्क्रिप्शन एसेट प्रोविजन। दानिश प्लांट किस दिन खरीदा है? 1 जनवरी 2017 को। कॉस्ट कितनी? कॉस्ट डी कमिशनिंग की फ्यूचर वैल्यू, भाई डी कमिशनिंग की फ्यूचर वैल्यू बताना माय डियर, डी कमिशनिंग की फ्यूचर वैल्यू 1.32.5 जमा 31. चुप ना, डेप्रिसिएशन निकालें 281.5 डिवाइडेड बाय, सबर मैं नोट करने का टाइम दूंगा, देखें तो करें, ठीक है जी 31/12/17 कैरिंग अमाउंट ना बोलना, कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रोविजन माइनस पॉइंट नजमा, चलें जी नोट कर लें, सर शुगर लगाना था तो पहले बता देते, हमने कहा पता नहीं कौन सा सवाल करने लगे, जल्दी नोट करें साथ साथ कर लिए। हाँ जी भाई, अच्छा जी कभी कभी मैं सीरियस भी होता हूँ,
जो 6 महीने इस साल में वारंटीज हो गई ना, वो तो पे हो गई होंगी कैश में, वो तो रिपेयर करके दे दिए होंगे। तो जुलाई से दिसंबर वाले हैं उसके लिए लाइबल फील करें, वो अगले साल रिपेयर करके देने हैं। वो आएंगे सवाल, आएंगे, आने दो सवालों को, आने दो। अच्छा भाई, आपने सिर्फ 2 से 3 मिनट देने हैं। आप फोकस करके, अकाउंटिंग वालों के पीएनएल में क्या जाएगा? डेप्री। और अकाउंटिंग वालों के पीएनएल में क्या जाएगा? इंटरेस्ट। कैरिंग अमाउंट क्या होगी? 234.6, और प्रोविजन की 34। मैं सवाल में नहीं पढ़ा टैक्स वाले क्या चाहते हैं, मैं IAS 12 के एंगल से चीजें पोस्ट करने लगा हूं। आपने मेरे से एग्री करते जाना है और मुझे आगे चलवाते रहना है। करंट टैक्स, अकाउंटिंग वालों ने कितनी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की? इसे ऐड बैक कर दूं? और इंटरेस्ट? ना ना, टैक्स वालों के ना देख माय डियर, मैं तो टैक्स वालों की आपको कैलकुलेशन ही नहीं करवा रहा। मैं तो सिर्फ आपको रेड मार्कर पकड़ के अकाउंटिंग वालों का उल्टवा रहा हूं, और कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस अभी इंशाल्लाह आपको निकाल के दूंगा। बाकी इंशाल्लाह मैंने आपसे करवाना हुआ तो मैं खुद बताऊंगा। टैक्स वालों के एंगल से आप क्यों चीजों को पढ़े हैं? मैंने तो टैक्स वालों की बात अभी बताई नहीं आपको। अच्छा जी, कैरिंग अमाउंट नहीं, टैक्स बेस मुझे नहीं चाहिए, मैं कैरिंग अमाउंट काफी है। पीपी, माशाल्लाह आप इतने बड़े हो गए, मैं आपको पता है चीजें कहां से उठानी है। प्रोविजन 30। वैसे टैक्स वाले तो प्रोविजन को मानते नहीं, चले थोड़े वो मैं फिर बता दूंगा आपको भी। डन। करंट टैक्स में मैंने क्या उल्टा दिया? जो अकाउंटिंग वालों ने पीएनएल में डाला था, क्या डाला था अकाउंटिंग वालों ने पीएनएल में? अकाउंटिंग वालों के डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट, अकाउंटिंग वालों का इंटरेस्ट। और डेफर टैक्स की वर्किंग में मैं अभी फिलहाल क्या शो कर रहा हूं? कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस शो नहीं कर रहा। अब मैं ब्लू मार्कर पकड़ने लगा हूं, और ब्लू मार्कर पकड़ के मैं टैक्स वालों जो चाह रहे हैं वो कर देता हूं। अच्छा जी, टैक्स वाले ना 50 रुपए को कुछ नहीं मानते, टैक्स वाले 50 रुपए को कुछ नहीं मानते, क्योंकि ये तो फ्यूचर का खर्चा है ना, वो जब कभी होगा तब कभी माइनस करने देंगे। सोच के बताएं, टैक्स वाले 50 रुपए को एसेट मानेंगे, या 50 जमा 250 को, या सिर्फ 250 को? पीवी तो दूर की बात है, टैक्स वाले कैलकुलेट करें। टैक्स वाले 250 को एसेट मानेंगे, या 250 जमा 50 को, या 250 को? टैक्स वाले 250 को एसेट मानेंगे। सवाल हमारा खत्म हो गया। टैक्स वालों का डिविडेंड रेट देख लें। क्या हो गया? कौन सा पेज है? 362। हाँ, सब्र तो करो ना यार, जहां तक लेके जा रहे हो मैं वहां तक आपको लेके नहीं जाना चाह रहा। मैं चाह रहा हूं मेरे साथ साथ आप समंदर की लहरों पे चलो। अच्छा, द डिसमेंटलिंग कॉस्ट विल बी अलाउड व्हेन पेड, ये तब कभी माइनस होंगी जब कभी पे हो। पे तो मुझे लग रहा है कितने सालों बाद होनी है, छोड़े। टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन कितनी है? 10%। फुल ईयर डिडक्शन इज अलाउड इन द ईयर ऑफ परचेस। मुझे सिर्फ कॉस्ट हाईलाइट कर दें टैक्स वालों की नजर में, बस ये लिख लें, कॉस्ट एज पर टैक्स रूल्स। खत्म सवाल। क्या पीपी का अकाउंट बनाऊं टैक्स वालों की नजर में, या थोड़े से बड़े हो गए हैं हम अकाउंट बना लूं, या चल जाएगा गुजारा? अच्छा जी, चलो यार बना लो अकाउंट, हमारे हींग लगे ना फटकड़ी। पीपी का अकाउंट किसकी नजर में? ये तकरीबन अकाउंटिंग वालों की नजर में बना हुआ है। कॉस्ट 250 या 250 जमा 50? भाई नोट ना कर, भी समझ बात। 250। डेप्रिसिएशन किनके वाली? जरा टू ट्वेंटी फाइव जीरो माइनस 25। 225 पहले साल के एंड की बीवी, किसको नहीं मानते टैक्स वाले? माइनस कर दें, पीबीटी नहीं दिया हुआ ना, मैं क्या करूं यार, पीबीटी नहीं दिया, मुझे ज्यादा सवाल में प्रॉफिट दिया ही नहीं हुआ था।
ये रोज लिमिटेड वाला सवाल था, इसने खाली डेफर टैक्स की वर्किंग मांगी थी। हाँ जी क्या 50 तो अकाउंटिंग वालों ने खर्चे में डाला ही नहीं ना, मैं रिवर्स कैसे करूं? हाँ वो डाल दी मैंने 2.5। पीबी तो एसेट की कॉस्ट में जाती है ना, पीएनएल में तो नहीं जाती। रिवर्स क्या करने हैं? डेप्स एंड इंटरेस्ट याद कर लें या जो अकाउंटिंग के पीएनएल में गया था। जाए होमवर्क में भाईजन, दो बड़े तकास किस्म के सवाल देने हैं आपको। मैं भी देख लेता हूँ, कोई नहीं, अपलोड कर दूंगा, अगली क्लास में बता दूंगा। हाँ जी।